नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीतम और आप लोग देख रहे हैं टॉकअप। देखिए दोस्तों, आज जो न्यूज़ लेकर आया ना, वो बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, आज का जो दौर है ना, इस दौर में ना हम लोग को कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गुड जरूरत पड़ ही जाता है। कभी पुराना हो जाता है, कभी ख़राब हो जाता है, तो चेंज करने के लिए हम लोग जब देखता है ना, चाहे कोई भी स्मार्टफोन हो, अच्छा लैपटॉप हो, अच्छा स्मार्ट वॉच हो, DSLR कैमरा हो, लेकिन उसका जो प्राइस होता है ना, वो बहुत महंगा होता है। लेकिन हर टाइम तो हम लोग का पास उतना पैसा भी नहीं रहता है, बजट अलाउ नहीं करता है। तब हम लोग क्या करता है, कोई मोहल्ला का छोटा मोटा दुकान का पास चला जाता है और वहाँ जाके कोई ना कोई जुगाड़ लगा के एक सेकेंड हैंड चीज़ तो खरीद लेता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि 2, 3, 5, 6 महीना बाद जब ख़राब हो जाता है ना, तो आपका तो कोई वारंटी नहीं होता है और उतना अच्छा मैकेनिक भी नहीं रहता है। छोटा मोटा जो होता है चीज़ इधर उधर करके वो कोई भी जुड़ जाड़ के आप लोग को बेच देता है। लेकिन जब बाद में प्रॉब्लम आ जाता है ना, जब भी आप कोई सर्विस स्टेशन में जाता है, सर्विस सेंटर में जाता है, या आप कोई भी दुकान में जाता है, तो पकड़ लीजिए कि आपका आप जो सामान खरीदा था वो था 5,000 रुपया का, तो आया जो बिल उसको सराहने के लिए तो लगेगा 3, 3.5 या 4 हज़ार रुपया। तब आप लोग ने सोच में पड़ जाता है कि भाई और थोड़ा पैसा जोड़ के एक नया सामान ले लेता तो अच्छा होता। आप करें तो मैं क्या करूं? तो हम लोग क्या करता है, थर्ड पार्टी को देखता है, 500, 1,000, 1,200, 1,500 जो भी आए उससे हम लोग वो सामान बेच देता है। इससे क्या होता है, हम लोग को एक बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई बड़ा ब्रांड हो जिसका ऊपर पूरा इंडिया का जितना भी आप लोग देख रहे हैं उसका ऊपर ट्रस्ट हो, उसका एक खुद का एक पैनल हो, एक सर्टिफाइड मैकेनिक हो, बहुत सारे टेस्ट हो, और सेल करने का बाद जो भी सामान आप लिया है उसका जो ब्रांड है, अगर वो आपको उसका खुद का जो सर्विस है वो अगर आपको प्रोड्यूस करे तो कैसे होगा? आप लोग तो सोचेंगे ये तो सोने में सुहागा होगा। लेकिन कुछ दिन पहले तक तो ये अमेज़ॉन में अच्छा खासा चल रहा था, फिर इसको बंद कर दिया। और लास्ट था फ्लिपकार्ट का, जो 14 अगस्त को फ्लिपकार्ट ने ईबे को बंद कर दिया। तो उसी दिन फ्लिपकार्ट अनाउंस भी किया था कि मैंने एक प्लेटफॉर्म ले आ रहा हूँ जहाँ ये रिफर्बिश जो सामान है इसको हम लोग बेचेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए, फाइनली वो आ ही गया है और उसको नाम दिया गया है टू गैजेट, एक इंग्लिश का टू और GUD, ये पूरा कैपिटल में होगा, TwoGadget.com। इसमें अगर आप जाएंगे और अगर आपका पास कोई फ्लिपकार्ट का अकाउंट हो, अगर उससे आप लॉगिन करेंगे तो आप उसमें बहुत सारे ऐसे रिफर्बिश्ड सामान है, एक्सेसरीज है, आप चाहिए तो आपका स्मार्टफोन है, रिस्ट वॉच है, आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो आप चाहे ऐसे बहुत सारे सामान हैं जो आप अभी के लिए खरीद सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि कुछ दिन बाद ये प्ले स्टोर में ऐप का भर्सन में भी मिलेगा और इसके साथ साथ डेस्कटॉप का जो मान मूड होता है उसमें ही आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन तब तक के लिए ये तो आपको ये वेबसाइट में विजिट करना पड़ेगा और आप लोग को यहाँ से कुछ सामान अगर आप लोग को पसंद हुआ तो आप लोग खरीद सकते हैं। देखिए ये तो इसके लिए तो ना फ्लिपकार्ट ने हमको पैसा दिया है, ना ये टू गैजेट हमको पैसा दिया है। मैंने खुद वहाँ पर गया था और विजिट किया और लॉगिन किया फ्लिपकार्ट का खुद का अकाउंट से और बहुत सारे रिसर्च किया और देखा कि ये जेन्युइन एक वेबसाइट है जो फ्लिपकार्ट में एक्वायर करके रखा है और इसमें जो सामान आ रहा है ये ट्रू क्वालिटी भी दे रहा है और अच्छा प्राइस भी लगा के रखा है। जैसे आईफोन 6 है जो 15,000 का, 14,500-15,000 में मिल रहा है, जो लेनोवो का बहुत सारे सामान है, MI का जो सामान है, रेडमी नोट 5 प्रो जो जिसके लिए इतना प्लास सेल का इतना चक्कर है, वो 1-2 महीना पुराना है, जो 11,500-12,000 में मिल रहा है, लेनोवो का ही है। बहुत सारे ऐसे सामान है, बहुत सारे एक्सेसरीज भी है, अगर आप लोग चाहे तो वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं और कुछ भी सामान खरीद सकता है। लेकिन इसमें आप लोग का मर्जी है, आप ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, लेकिन एक बार जरूर जाइए और विजिट करके देख लीजिए। उसका जो इंटरफेस है वो भी एकदम फ्लिपकार्ट का जैसा ही मिलता जुलता है, क्योंकि वो फ्लिपकार्ट ने एक्वायर किया है। अगर आप लोग जाए तो आप लोग खुद का एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये वीडियो देखकर आप लोग को कोई हेल्प मिले हो,
या इस न्यूज़ को लेकर आप लोग का कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आइए, और कुछ हेल्प मिले तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इसके साथ साथ मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे ऐसे फ़ायदेमंद न्यूज़ आप लोग के साथ शेयर करता हूँ जो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।